हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता प्रसाद है। आज मैं आपको सूजी के उपमा अपने तरीके से बनाना सिखाती हूँ। आइए देखते हैं उसके लिए क्या लगेगा। सबसे पहले एक कटोरी सूजी लिया है मैंने। ये पत्ता गोभी, ओनियन, कड़ी पत्ता, राई, आइए इधर देखते हैं, गाजर, मटर, सॉल्ट, ग्रीन चिली, कैप्सिकम, फ्रेंच बीन और धनिया के पत्ते। आइए बनाते हैं। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा, मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, आप किसी भी ऑयल में इसको बना सकते हैं। इसे ब्लैक मस्टर्ड सीड से हम लोग क्रैकल लाने देंगे। जैसे ही क्रैकल आने लगेगा तो कड़ी पत्ते को यूं ही बस दो से तीन बार तोड़ के इसमें डाल देना और ग्रीन चिली उसके बाद डालेंगे। एक से दो बार चलाने के बाद हम लोग अब ओनियन डालेंगे। इसे सेमी गोल्डन तक आने तक हम लोग फ्राई कर लेंगे। ज्यादा इसमें हम लोग को फ्राई नहीं करना है, बस इसका ओनियन का कच्चापन चला जाए। ओनियन को फ्राई करते करते हम लोग इसमें मटर डाल देंगे ताकि ये भी फ्राई भी हो जाए और नरम भी हो जाए। अब गाजर डाल देंगे। एक दो बार चलाने के बाद इसमें हम लोग फ्रेंच बीन डाल देंगे और थोड़ी सी सॉल्ट डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डालें। इसे दो से चार बार चलाने के बाद हम लोग इसमें पत्ता गोभी डाल देंगे ताकि ये भी फ्राई हो जाए। हम लोग मीडियम टेम्परेचर को फ्राई करेंगे ताकि सारी सब्जियां नरम भी पड़ जाए और फ्राई भी हो जाए। ये सारी सब्जियां फ्राई हो चुकी है और नरम भी पड़ चुकी है। अब इसमें हम लोग सबसे लास्ट में कैप्सिकम डालेंगे और इसे भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। देखिए सारी सब्जियां फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम लोग सूजी डालेंगे। ज्यादा सूजी हम लोग नहीं डालेंगे। इसे भी थोड़ी देर हम लोग फ्राई कर लेंगे। सात से आठ बार ऐसे चला लिया है ताकि ये भी सूजी भी फ्राई हो जाए। अब हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे और इसमें पानी डालेंगे। एक ग्लास अभी डाला है, चला के देख लें तभी और ज्यादा पानी डालें, नहीं तो ये फिर गीला हो सकता है। थोड़ी सी और पानी इसमें लगता है लगेगी। बस डेढ़ ग्लास के आसपास मैंने डाला है। इसे अच्छे से चलाकर ढककर हम लोग थोड़ी देर लो टेम्परेचर पर पकने देंगे ताकि सूजी भी पक जाए। देखिए सूजी और पानी डालने के बाद मैंने एकदम से लो टेम्परेचर रखा है और ये बन चुका है। इसमें अब हम लोग थोड़ी सी धनिया पत्ता ऐड करेंगे और एक दो बार चलाने के बाद इसे दो से चार मिनट तक हम लोग रेस्ट करने देंगे। इसके बाद ये यम्मी उपमा, सूजी के उपमा खाने के लिए रेडी है। ये मैंने बोल में निकाल लिया है। अब इसे धनिया पत्ता से सजा देंगे और ये खाने के लिए रेडी है। मेरी बनाई ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाइक कीजिए। थैंक यू।